Hey guys, welcome to this video. I've come to this park to read this book. This is Biography of Steve Jobs by Walter Isaacson. As this video is in Hindi because I got requested by someone. So guys, this is Macintosh team. Macintosh hai wo history mein ek greatest product mana gaya hai. In sab logon ko स्टीव जॉब्स ने कैसे रिक्रूट किया और मोटिवेट किया एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाने के लिए. सबसे पहले ये जो चीज़ मुझे नोटिस हुई है वो ये है कि स्टीव जॉब्स वो केपेबल थे, वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकते थे अपने इलॉजिकल विजन के साथ फ्यूचर के लिए. हम यहाँ से क्या एनालाइज कर सकते हैं कि सब लोग जो हैं वो एक लॉजिक के साथ काम करते हैं तो उनका रिजल्ट भी सेम आता है क्योंकि उन्होंने सेम लॉजिक लगाया होता है. जब एक सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम लॉजिक लगा रहे हैं, तो यू गोना एंड अप एज सेम एज एवरीवन एल्स. आपने डिफरेंट क्या किया? एक और चीज़ ये यहाँ पे जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है वो ये है कि उनका वर्ल्ड व्यू था दैट पीपल वर आइदर एनलाइटन्ड और एन एसहोल, व्हिच मींस देयर वर्क इज आइदर द बेस्ट और टोटल शिट. यहाँ से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते जब आप खुद उस चीज़ के लिए इंस्पायर्ड ना हो. स्टीव जॉब्स को रिजेक्शन और फेलियर पसंद नहीं थे तो उन्होंने अपने लिए एक ही ऑप्शन छोड़ा था, वो था कि एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है. पहले उन्होंने अपना ये व्यू पॉइंट सेट किया, तभी जो एम्प्लॉयज़ है उनका ये व्यू पॉइंट बना. वो मास्टर थे ह्यूमन स्किल्स के कि उनको पता चल जाता था कि एम्प्लॉय का वीकेस्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है. वो अपने एम्प्लॉय को बहुत ही छोटा भी फील करवा देते थे और बहुत बड़ा भी फील करवा देते थे ताकि वो एम्प्लॉय में से जो बेस्ट चीज़ है उनकी वो निकाल सके. दिस वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस दैट पीपल हु वर नॉट क्रश्ड एंडेड अप बीइंग स्ट्रॉन्गर, व्हिच मींस दे डिड अ बेटर वर्क आउट ऑफ फियर एंड ईगरनेस टू प्लीज समवन. हम जो भी काम कर रहे हैं वो दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं, या तो किसी को खुश करने के लिए या हम एक डर से कर रहे हैं कि अगर पैसे नहीं आए तो हम अपनी फैमिली की या खुद की ज़रूरतें कैसे पूरे करेंगे. ये दो चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं. तीसरी जो चीज़ है कि बेस्ट काम करना है वो नहीं है, वो कहीं नहीं है. तो अगर ये दो चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हम एक बेस्ट काम करेंगे या एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे. हमारा जो काम है वो सबसे अच्छा होगा. ये जो चीज़ है ये बेस्ट है वीडियो की. मोस्टली क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो अपना व्यू पॉइंट शेयर नहीं कर सकता, अपने व्यू बॉस के आगे एक स्टैंड नहीं ले सकता अपने व्यू पॉइंट के लिए या जो भी उसका जो बिलीव है. पर एप्पल में 1980s में क्या था कि जो भी एम्प्लॉय स्टीव जॉब्स के अगेंस्ट अपने व्यू पॉइंट को लेके खड़ा होता था उसको बेस्ट एम्प्लॉय के साथ अवार्ड दिया जाता था. इसलिए क्योंकि स्टीव जॉब्स खुद रिस्पेक्ट करते थे फॉर स्टैंडिंग अप इन व्हाट यू बिलीव. Here's one more story that I want to share with you guys. एक बार क्या हुआ कि स्टीव जॉब्स अपने एम्प्लॉय के कैबिन में आए ये बोलते हुए कि जो उसने काम किया है दैट इज़ टोटली शिट. तो एम्प्लॉय उस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा हुआ और बोला नो इट्स नॉट शिट, इट्स एक्चुअली द बेस्ट वे. यहाँ पे क्या किया उस एम्प्लॉय ने कि स्टीव जॉब्स को समझाया कि वो जो उसने काम किया है वो बेस्ट कैसे है, कि स्टीव बहुत खुश हुए कि अगर वो बोलते हैं दिस इज शिट उसका मतलब है टेल मी वाई दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू. कि जो भी बंदा जो भी बात बोलता है उसका वो एग्जैक्ट मतलब नहीं होता, हमें इंटरप्रेट करना है कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर वाइफ इज़ आस्किंग आई एम लुकिंग फेयर इन दिस ड्रेस, शी एक्चुअली मीन्स यू गोना लव हर द सेम वे इफ़ शी गोना फैट. ओके सो यहाँ पे एक और स्टोरी है. एक दिन जॉब्स एक इंजीनियर के कैबिन में आए क्योंकि जो सिस्टम था वो 10 सेकंड लेट स्टार्ट हो रहा था. उन्होंने कंप्लेन किया इसके बारे में तो और बोला अगर कोई इंसान मर रहा है तो क्या आप ये 10 सेकंड सेव नहीं करेंगे. उन्होंने इस चीज़ को एक बड़ी बोर्ड पे समझाया कि अगर 5 मिलियन लोग मैक यूज़ कर रहे हैं और हर दिन मैक 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है तो एक साल में हम 300 मिलियन आवर्स जो है वो बचा सकते हैं. इससे जो इंजीनियर है वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ और कुछ हफ्तों बाद वो दोबारा सिस्टम को लेके आया और इस बार जो सिस्टम है वो 28 सेकंड पहले स्टार्ट हो रहा था. जॉब्स कभी भी
कंपटीशन नहीं करना चाहते थे मार्केट में या बहुत सारे पैसे नहीं कमाना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही गोल था कि एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, एक ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट बनाना है जो अभी तक बना नहीं है। तभी शायद 1980s से पहले से स्टार्ट हुई एप्पल कंपनी आज भी दुनिया की नंबर वन कंपनी है। यू कैन चेंज एनीथिंग। थैंक यू सो मच।